हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे कार्बोनाइल कैटेगरी के लोअर मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारे लोअर एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन्स हैं, दे आर कलरलेस लिक्विड्स। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, ये एक गैस है रूम टेम्परेचर में। जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड के, उनका अनप्लीजेंट और पंजेंट स्मेल होता है, और कीटोन के लोअर मेंबर्स का बहुत ही अच्छा प्लीजेंट और स्वीट स्मेल होता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों की अगर हम बात करें तो इनकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, कम लो है ना, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिमिलर एल्कोहल। वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्केन। जो रिलेवेंट एल्केन हुआ उससे ज्यादा होगा, और जो एल्कोहल है उससे कम होगा, उससे लोअर होगा। और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कैटेगरी के जो छोटे मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ऐसे ही अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए हमारे कार्बोनाइल ग्रुप्स रेडी होते हैं। देखिए, जैसे अगर अपन कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ होता है। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारा ये शिफ्ट होता है, टूटता है या ब्रेक होता है, तो इसके वजह से जो हमारा कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है यहाँ पर कौन अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पर कौन अटैक कर सकता है ऑक्सीजन पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब डेफिशिएंट वाले अटैक कराते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और जो डेफिशिएंट वाला जो हमारा पोर्शन रहेगा वहां पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच वाला पोर्शन रहेगा वहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखिए, जैसे अपन एक स्ट्रक्चर की बात करने हैं तो ये हमारा कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो खुद कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और वहां पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन जो हमारा कार्बन है वो खुद बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और वहां पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगर अपन जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करता है, यानी कि हमारे पास जो कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है, उस पे अटैक करता है। जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करता है तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड हमारा टूट जाता है, एक बॉन्ड जो है हमारा वो ब्रेक हो जाता है। जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, और कार्बन का एक डेफिशिएंट बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ से टूटने की वजह से आता है। तो जब स्टूडेंट्स बॉन्ड टूटा तो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर था वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया। आप देखिए, यहाँ दो पेयर इलेक्ट्रॉन के थे और यहाँ पर हो गए आपके तीन पेयर, एक दो तीन, यानी कि ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर बने, लोन इलेक्ट्रॉन्स जो बने वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए आपके ऑक्सीजन के पास, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और इसी वजह से उस पर हमारे पास डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज। अब आ गए कार्बन पर। देखिए, बॉन्ड खाली तो कार्बन का भी हुआ था, यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाएगा जो हम रिएक्शन में ऐड कराना चाहते थे। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। देखिए, कार्बन को न्यूक्लियोफाइल मिल गया, उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ मिलने से सेटिस्फाई हो गया, अब उसको कोई मतलब नहीं है।
अब कौन काम करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास ये देखो आप नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि है एच प्लस। ये अटैक किया तो नेगेटिवली चार्ज्ड जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को अपने पास एक्वायर कर लेगा। ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज ये आपस में जुड़ जाएंगे और जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन पेयर था यानी कि लोन इलेक्ट्रॉन जो गए थे वो आपका बॉन्ड बनाने में मदद किए और आपका ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ओ एच बन गया। अब देखिए जो ये रिएक्शन है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें एसिड कैटलिस्ट का अपना इम्पोर्टेंस है और बेस कैटलिस्ट का अपना। सपोज हम लोग इस रिएक्शन को बेस के प्रेजेंस में करते हैं, जब हम बेस के प्रेजेंस में करेंगे तो जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करा दे, और यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो भी बनेगा वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एड ऑन हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये अभी क्या है, वीक है। जैसे ही इस पे बेस अटैक किया ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और बेस के साथ कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। ये अब न्यूक्लियोफाइल को अपना इंडिविजुअल माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे सपोज स्टूडेंट्स वो बेस का केस हुआ, अगर अपन एसिड का बात करें तो एसिड के पास ऑलरेडी हम जानते हैं प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज को कॉमन सी बात है कि अटैक करने के लिए कौन ज़्यादा कन्वीनियंट साइट मिलेगा, जो नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर हमारा नेगेटिवली चार्ज जो पोर्शन है कार्बोनाइल का वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अटैक कराएगा। अब देखिए आप डबल बॉन्ड है कार्बन, कार्बन का जो पार्शियल चार्ज है वो आराम से रिमूव हो गया है ना। हमारा ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर रखेगा, एक लोन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाने में। अब ये अपना रेजोनेंस बनाता रहेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा एडिशन प्रोडक्ट, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब यहाँ पर आप देखिए तो ऑक्सीजन ऑलरेडी H को कैरी कर रहा था, अब बहुत इजी हो गया हमारे न्यूक्लियोफाइल के लिए उसी कार्बन पर अटैक कराना जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा था। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जनरली कीटोन जो होते हैं रिएक्शन में लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, तो सेम रूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए भी ओबे होगा। ऐसे ही अगर अपन एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, और अल्फा कार्बन कौन होता है, वो कार्बन जो कार्बोनाइल के बगल वाला हो, एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाला हो। जैसे ये देखिए आप इस स्ट्रक्चर में तो ये कार्बन है और ये इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, मतलब ये कार्बोनाइल कार्बन हुआ, उससे एडजेसेंट वाला यानी कि ये जो बगल में बना हुआ है ये एडजेसेंट वाला, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन अपने आप में एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और एसिडिक नेचर का है तो आराम से ये बेस के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है और ये रिमूव हो जाता है। अब हमारे कार्बन के पास यानी अल्फा कार्बन के पास एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होगा, ये देखिए आप, क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं आप तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं माइनस चार्ज कैरिंग कार्बन और फिर डबल बॉन्ड बनने का, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट आयन, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनोलेट आयन। तो इस प्रकार से ये जो था स्टूडेंट्स, ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होते हैं। तो आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।